Hello friends and viewers, this is Parul and once again you are watching Under the Lamp Post. जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस रिलेटेड है. सो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे ही हेल्थ बेनिफिट्स ओरिएंटेड सीड्स के बारे में जो है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज जो कि एक सुपर फूड कैटेगरी में आता है. इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी है. आपने एंशियंट एज या फिर हमारी दादी नानी के किस्सों में जरूर से कहते सुना होगा कि उनके टाइम के लोग काफी हेल्दी एंड फिट रहते थे. सीक्रेट बिहाइंड दैट कि फ्रीडम से पहले फ्लैक्स सीड्स हमारे यहाँ पर काफी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता था फ्लैक्स सीड्स का. और जैसे कि आप जानते हैं इंडिया उस वक्त पॉवर्टी से सफर कर रहा था, बट उस वक्त भी फ्लैक्स सीड हमें इजिली अवेलेबल होते थे एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स. और शायद ही आपको पता हो जिसे आज की डेट में हम सुपर फूड कहते हैं उस वक्त ये पुअर फूड की कैटेगरी में आता था. है ना इंटरेस्टिंग. और इसको लेने का तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग था. इसे ग्राइंड करके वाटर के साथ या फिर चपाती के साथ या फिर वेजिटेबल के साथ लेते थे और उनको इसकी वजह से काफी टाइम तक फुलनेस फील होती थी ड्यू टू हाई फाइबर. सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल बेनिफिट्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स एंड वे टू कंज्यूम. फ्लैक्स सीड्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है. इसको नेचुरल हर्बल एंड आयुर्वेदा में मेन स्ट्रीम सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है. फ्लैक्स सीड कंटेन्स ओमेगा 3, 6 विटामिंस एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड प्लांट्स कंपाउंड. अगर इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें 42% फैट्स, 29% कार्ब एंड 18% प्रोटीन पाया जाता है एंड साथ ही साथ लार्ज एंड रिच अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स स्पेशली कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड इम्पोर्टेंट प्लांट कंपाउंड थायमिन पाया जाता है जो कि ब्रेन की फंक्शन के लिए काफी क्रूशियल है एंड ये ब्रेन बूस्टर का काम भी करता है. इसमें हाई डाइट्री फाइबर होने की वजह से ये क्लियर डाइजेशन एंड गट हेल्थ को सपोर्ट एंड इम्प्रूव करता है. इसके सोल्यूबल फाइबर्स डाइजेशन के बाद इंसुलिन लेवल को ब्लड में रेगुलेट करते हैं जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है. बिकॉज ऑफ हैविंग रिच इन फाइबर जब हम इसका इनटेक करते हैं तो स्टमक में फुलनेस की फील होती है क्योंकि आप इसे जिस भी अमाउंट में वाटर के साथ लेते हैं तो स्टमक में जाते ही 8 times बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज कर देता है जिससे ये वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट में भी काफी रोल प्ले करता है. रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लोगों को सर्टेन अमाउंट में फ्लैक्स सीड कुछ दिनों तक देने से उनमें हार्ट रिस्क का खतरा 18% तक कम हो जाता है. इसमें स्पेशली ALA पाया जाता है जो हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है एंड ये कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छे से मैनेज करता है, LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. फ्लैक्स सीड के रेगुलर इंटेक से ब्लड प्रेशर भी सही से कंट्रोल होता है एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिश ऑयल में भी ओमेगा 3, 6 DHA EPA होता है. दैट इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल बट इट विल कॉस्ट यू एंड डेफिनेटली इट विल कॉस्ट योर पॉकेट. बट वेजिटेरियन लोगों के लिए फ्लैक्स सीड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. वीगन एंड वेजिटेरियन दोनों लोग इसको ले सकते हैं एंड ये बजट फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है. डियर फ्रेंड्स, फ्लैक्स सीड्स में इम्पोर्टेंट एंटी ऑक्सीडेंट कंपाउंड लेग्निन्स एंड फेरोलिक एसिड पाया जाता है एंड बाय रिसर्च ये प्रूफ हो चुका है कि लेग्निन्स किसी भी तरीके के ट्यूमर और कैंसर को कैंसर की स्प्रेड काफी हद तक कम करने या डाउन करने की स्ट्रेंथ रखता है. इसके रेगुलर यूज से किसी भी तरीके का ट्यूमर या कैंसर को एक अर्ली स्टेज पर ही प्रिवेंट किया जा सकता है. अनदर इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड फेरोलिक एसिड है जो किसी भी तरीके की क्रोनिक डिजीज को कॉम्बैट करता है एंड फेरोलिक एसिड हमारी स्किन हेल्थ को भी प्रमोट करता है. ये स्किन रेजोनेशन एंड एंटी एजिंग में की फैक्टर की तरह काम करता है. ये काफी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया जाता है, काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसका यूज करते हैं. सो अब बात आती है हाउ टू टेक एंड कंज्यूम फ्लैक्स सीड. जनरली हम इसे 2 तरीके से ले सकते हैं. फर्स्ट इन पाउडर फॉर्म एंड सेकंड इन ऑयल फॉर्म. अब फर्स्ट पाउडर फॉर्म बनाने के लिए हम पहले फ्लैक्स सीड को स्लाइटली रोस्ट करते हैं, देन उसको मिक्सी में ग्राइंड करके स्टोर करते हैं.
देन उसके बाद हम इसको कभी भी 2 टेबलस्पून पाउडर के कभी भी वेजिटेबल के साथ, कर्ड के साथ, स्मूदी में या फिर सैलेड पे स्प्रिंकल करके यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा आता है हमारा ऑयल फोम में। ऑयल फोम के लिए हम यूज करते हैं फ्लैक्सीड का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। आधा कप पानी में 2 टीस्पून कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्सीड ऑयल मिलाते हैं एंड उसके बाद हम ड्रिंक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर एंड नोटिस फॉर यू, डोंट एक्सीड द लिमिट ऑफ 4 टेबलस्पून इन अ डे। एक दिन में आपको फ्लैक्सीड के 4 चम्मच से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। वो कांट टेक दिस, ये किन लोगों को नहीं लेना चाहिए या फिर स्ट्रिक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करके या फिर डॉक्टर के सजेशन पर ही लेना चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमन या फिर जो लोग सडन मेडिकेशन पे है या फिर क्रोनिक डिजीज है, वो लोग विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन इसको यूज ना करें। डियर फ्रेंड्स, एक बात समझने की है, जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ एंड हर्बल चीजों की, ये कोई मैजिक नहीं है, बट अगर हम इसको कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, इट कैन बी मैजिकल। आई होप आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक हेल्दी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बिलो।